हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है सर्वपितृ अमावस्या, यानी पितृपक्ष की जो अमावस्या है, सबसे बड़ी अमावस्या बोलते हैं इसको। तो आज पितृपक्षी अमावस्या है, तो आप सबको पितृपक्ष अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं या शायद 6:45 भी हो गया होगा, होने वाले होंगे। और मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने दाल भी बना ली है, खीर बनने के लिए रखी हुई है, हरे में खीर बनने लग रही है। और दाल चावल हमारे यहाँ पितृपक्ष की जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन दाल चावल खीर रोटी बनती है। तो दाल बन चुकी है, अभी प्रेशर निकलने लग रहा है, तो इसको छोंकूंगी फिर बनाऊंगी चावल कुकर में ही। उसके बाद खीर बनने लग रही है बाहर हरे में। और अब मैं आटा गूंद ले, मुझे स्कूल आज थोड़ा लेट जाना है, क्योंकि आज हमारे स्कूल में बच्चों की तो है छुट्टी, और सभी क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना हमारे स्कूल में, तो एक दिन एग्जाम रहता है, एक दिन छुट्टी रहती है। तो कल पहला एग्जाम था बच्चों का और आज की छुट्टी है, फिर कल एग्जाम होगा, तो इसीलिए आज थोड़ा स्टाफ जाएगा तो लेट जाएंगे हम सब टीचर्स। तो 9:30 बजे का टाइम है स्कूल जाने का, तो इसलिए मुझे आज जल्दी नहीं है स्कूल के लिए, कि सुबह की भागम भाग रहती है, तो वो नहीं है। आराम से अपना काम करूंगी और खाना पीना जल्दी बना लेते हैं हम, जब अमावस्या होती है ना उस दिन बहुत जल्दी करके खाना बना लेते हैं। तो 6:30 बजे तक मैं तैयार कर लूंगी सारा खाना, क्योंकि दाल बनी चुकी है, खीर बनने लग रही है, और आटा गूंथती हूँ, फिर चावल रख दूंगी बनने के लिए। और दोनों बच्चों की तो छुट्टी है स्कूल की आज की। बाहर भी अंधेरा है काफी, सूर्यदेव भी सारे तो ये दाल बन चुकी है और ये चावल भी रख दिया है बनने के लिए, खीर रखी हुई है हरे में बनने के लिए। एक बार देख के आती हूँ बन चुकी है क्या, वैसे मैं बार बार देख के आ रही हूँ, क्योंकि चलानी पड़ती है ना, कभी नीचे से लग जाए। बस खीर भी थोड़ी देर में बनकर हो जाएगी रेडी, तब तक मैं थोड़ा सा गोला कस लेती हूँ उसमें डालने के लिए। और ये बादाम है कुछ, मैं कूट कर डाल दूंगी इसमें। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने, बादाम कुछ, बादाम मैंने कद्दूकस कर लिए, कुछ मैंने कूट लिए, मतलब मोटा मोटा रख लिया, और ये कुछ गोला कस लिया। मेरे लड्डू भी जाग गए हैं और ये दोनों बहन भाई देखो कैसे सो रहे हैं, बेफिक्र होकर। राधिका की तो शायद आज आज की छुट्टी, कल स्कूल जाना है, और वीर का भी कल को पेपर है, एक दिन की छुट्टी करके बस रोटियां बनानी रहेगी है मुझे। और मैं पहले यहाँ पर सारे में पोछा लगा देती हूँ अंदर किचन में, तो मैं सुबह नहाने से पहले किचन साफ करके गई थी, पोछा वोछा लगा के चावल बंद कर दिए, गैस ऑफ कर दिए, दाल चावल रेडी है, खीर भी तैयार है, बस रोटियाँ बनानी है। मेरे हस्बैंड जी घेर में गए हुए हैं, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ अंदर। 6:30 होने वाले हैं, तो मतलब 6:30 तक मेरा खाना मोस्टली रेडी हो चुका है, बस रोटियां रहेगी बनानी। ओह, ये खीर बन गई है हमारी, देखिए। और ये उबाल आ गया था, जब मैं आटा गूंदने लग रही थी ना, तो मैं जा नहीं पाई वहाँ, उबाल आ गया था। तो यहाँ पे मैं अमावस्या पूजन के लिए, सर्व पितर पितरों के पूजन के लिए मैंने थाली तैयार कर दी है। हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं कि चार रोटियाँ बनाते हैं, चार रोटियों के 16 टुकड़े कर लेते हैं, उन 16 टुकड़ों पे उन थाली में रख के, बड़ी थाली में रख के, उन पर जो भी हमने दाल चावल खीर बनाई है वो सब रखते हैं और घी डालते हैं। और ये सब रखने के बाद इनका पूजन करते हैं, और उसके बाद थाली को पूजने के बाद श्राद्ध का हथकार निकालने के बाद फिर ऊपर छत पर रख जाते हैं पक्षियों के लिए, कौवों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली कर दी है तैयार, और हस्बैंड जी भी नहाकर आ चुके हैं, उनको भी ड्यूटी पे जाना है। अगले दिन कब देख लूंगा मैं, तो काम है। उसे पूछ रहा है 9:30 बजे ना, खीर है मीठा। आराम से उंगली में डाल ले इसे, इसे पन्नी को उंगली में डाल ले, निकले गिरने की नहीं, दोनों खीर में लड्डू को पानी भी कर लिए नाई नाई, अब ये भी नाश्ता कर रहे हैं। इनको नाश्ते में दिया मैंने खीर, तुलसी दल डाल के, और ये रहा तुलसी दल, लड्डू को लगा देती हूँ मैं भोग। मेरा सुबह का काम हो गया है, किचन का टाइम हो गया है 9, मैं जाऊँगी 9:30, मतलब घर से निकलूँगी 9:15 या 9:20 पे, 10 मिनट का रास्ता है स्कूल का। और
काम सारा कर लिया है क्लीनिंग का। वीर तो मंदिर गया हुआ है, अमावस्या का दिन वहाँ हवन होता है तो इसलिए अमावस्या पूर्णिमा को तो वहाँ गया हुआ है वीर। आज नहा धोकर गया वो, ताकि वीर का नाम वीर रह गया, नाश्ता करेगा रोहित राधिका। ये नहा ले बेटा, मैं हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हूँ। 9:15 बज गए हैं, 9:30 तक मुझे पहुँचना है स्कूल में, तो मैं चलती हूँ। मेरा दुपट्टा और ये रही राधिका, अपने वीर के वीर का एग्जाम है कल को, उसकी तैयारी कराने के लिए उसके नोट्स मतलब उसको रिटर्न प्रैक्टिस कराएगी, तो वो तैयार करने लग रही है अभी जब तक मंदिर से आएगा। राधिका भैया को नाश्ता दे दी बेटे, ठीक है, और खीर दे दी साथ में। राधे राधे मोहन, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। राधे राधे, राधे राधे। आज स्कूल वैन तो नहीं आएगी, हमें सेल्फ ही जाना है, मतलब जैसे भी जाना है खुद से ही जाना है, तो मैं जा रही हूँ। तो शाम के बज गए हैं 5 और अब मुझे करनी है पूजा मंदिर की सफाई, क्योंकि माता रानी की मूर्ति करनी है स्थापित, और 1 घंटे बाद फिर अंधेरा होने लगता है शाम के टाइम। पूजा मंदिर की लाइट ऑफ कर देती हूँ, मुझे पूरे पूजा मंदिर की सफाई करनी है और इस जगह पे माता रानी का आसन लगाना है, मतलब कि चौकी लगानी है माता रानी की, और यहाँ पे पूजा मंदिर की सफाई करूँगी। पहले सभी भगवान जी की यहाँ पे सभी ये कपड़े जो भी बिछा रखे हैं इनको बदल के दूसरे बिछाऊंगी। तो माता रानी चौकी लगाने के लिए मुझे पटली रखी थी मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दी है माता रानी की चौकी, ये इस तरह से लगाई है। वहाँ पे माता रानी की मूर्ति स्थापित करूँगी और यहाँ पे पूजा की थाली हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए से लंबी लंबी तरह से लगाई मैंने। और अब यहाँ पे मैं मूर्ति स्थापित करूँगी माता रानी की, पहले यहाँ पीछे चुनरी से डेकोरेशन करूँगी माता रानी की, जो चुनरी ला रखी है मैंने डेकोरेशन वाली, वो ये जो चुनरी है ना माता रानी की, ये मैं पिछले साल लाई थी, ये पीछे डेकोरेशन करते हैं तो ये मैं हर बार धोकर उठाकर रख देती हूँ। पिछले साल इन दिनों के नवरात्रि में लेकर आई थी ना, तो अब मैं यहाँ पे सजा देती हूँ माता रानी की चौकी बनाने के लिए, सुंदर से डेकोरेशन कर देती हूँ इससे। देखिए ये सजा, तो ये सजा दी है मैंने यहाँ पे, देखी चुनरी लगा के। हर हर गंगे, तो देखिए ये रही हमारी माता रानी। अब मैं माता रानी की मूर्ति को स्थापित करूंगी यहाँ पे, जो मैंने चौकी लगाई है ये माता रानी की। अभी गंगा जल का छिड़काव कर दिया है मैंने, सुंदर है। ये भैरव बाबा, माँ तो भैरव तो कोट पैंट वाला है बना रहे, एक बार तो कोट पैंट वाला चांद सूरज, ये मिट्टी वाली है क्या मम्मी? हाँ मिट्टी वाली है, पीओपी वाली नहीं है। नाइस, सूर्यदेव है, चंद्रदेव, रौनक सी रह गई अब घर में, रौनक रहती है घर में, लक्ष्मी मेरे मम्मा के भी रौनक तो हमेशा ही रहे 9 दिन तक। नवग्रह, नवग्रह भी रखे जाते हैं, नवग्रह कौन कौन से हैं? आदित्य तो ग्रह है, प्लूटो को मिलाकर नव, ये वाले ग्रह अलग है, समझ गई, भगवान जी वाले अलग ग्रह है। कौन से ग्रह है बताइए मम्मी हमें जरा से, इन ग्रहों के बारे में। मोर भी लाए, मोर नहीं लाए, ऐसे रखते ये ना सारे थोड़ा ऐसे रखते सीक्वेंस में, ये बत्तख कारकों के बीच में, ये तो कितनी बारीकी से काम करते हैं। कितनी बत्तख होती है? मैं तो
पिछला ये स्कूल से आते कपड़े धो दिए थे मैंने, तो वह तो सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और मैंने वापस से फिर से चलाई क्योंकि मुझे बिस्तर वगैरह धोने हैं, तो डाल रखी है मैंने लाइट। अभी फिर से आ गई थी, 4 बजे लाइट चली गई थी, वापस आई अभी, तो मैं अब कपड़े धोने लग रही हूँ। पूजा मंदिर की सफाई कर ली है और देखिए माता रानी की चौकी भी लग गई है, और सुंदर लग रहे ना, और ये पूजा का सामान है, और कल को माता रानी का श्रृंगार होगा, चुनरी कल को उड़ाई जाएगी, घट स्थापना भी कल ही होगी, यहाँ पे कलश रख के। ये झालर लगा रही है जो लाइट होती है, टिमटिमाती लाइट वो लगा रही है राधिका। आराम से बेटा, चुनरी गिर ना जाए राधिका, यहाँ मैंने रखी। देखिए ये लगा दिए है हमने लाइट, कितनी सुंदर लग रही है, टिमटिमाती झालर वाली लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट बोलते हैं ये, बहुत ज्यादा लंबी लड़ी थी तो मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके धर रख दी। अब वहाँ पे उनके सिर पे टिमटिम कर रही है। ये ना थोड़ा पर्दे पे करके लाते हैं तो ये हिल वो नहीं होती, पैर में नहीं होती। तो यहाँ पे मैं फ्लैश ऑन ऑफ करके तब दिखा रही हूँ माता रानी का मंदिर कैसे जगमगा रहा है, और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है सब, देखिए क्या मस्त डिस्को लाइट। यहाँ से इस तरह से लेके गए, यहाँ पे बोर्ड है और ऐसे करके ऐसे ऐसे लगाई, तो राधिका लगाने लग रही है मेहंदी क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है ना, नवरात्रि के नाम की। देखो कैसा डिजाइन लगाया अपनी इमेजिनरी से बना के, तो मैं भी लगाऊंगी रात को अगर मेरा टाइम लग गया तो, मैं लगा दूंगी नहीं तो आज करी। सुखा लिए से तो बहुत जल्दी याद होता है, फिर सूखती ना रंग लगता, अच्छा सा रंग आता, फिर सुखा के जब धोइए ठीक है, पानी का ज़्यादा यूज ना करिए, तो कुछ काम थोड़ा ना कुछ करना, सुबह धोइए बस अपने हाथ ठीक है। यहाँ से चलिए और ये कपड़े धोए मैंने, बिस्तर ये चेयर भर के ये बिस्तर है ये धोए मैंने, चादरें हैं ओढ़ने की, बिछाने की बेड की चादर वो भी धोई, दूसरी चादर बिछाऊंगी, और जो भी बिछाने के कपड़े थे सब धोए। देखिए सूख गए हैं, इनको उतारूंगी तब सुखाऊंगी, फिर बाद में करूंगी सारा काम, पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ क्योंकि फिर दूध को ठंडा भी होना है। तो कपड़े सारे सूख गए हैं लेकिन इन्हें उतारूंगी रात को, पहले मैं अब काम करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, दूध ठंडा भी होना है, दूध को खाना बनाती हूँ, लेट हो जाएगा मुझे, पूजा मंदिर की सफाई करने में बहुत टाइम लग गया। अब दिन हो गया है छोटा, 2 बजे आती हूँ मैं स्कूल से, उसके बाद तो दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, बिल्कुल भागा चला जाता है एकदम से, खाना वाना खाने में ही 3 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर शाम की चाय का टाइम, उसके बाद बस फिर 5 बजने के बाद तो बस ऐसा लगता है कि 6 बजते अंधेरा, भागता चला जाता है दिन, और बहुत सारे मेले। मैं तो समझ नहीं था क्यों मिठाई कर दी है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिए, उसको मैं डिब्बे में कर दूंगी। मिठाई लगी है ये चादर, ये चादर बिछा दी हूँ बेड पे। अभी हेयर वॉश करके आई हूँ क्योंकि कल को बृहस्पतिवार है तो हेयर वॉश नहीं हो पाने का, और पहला नवरात्र है तो हेयर वॉश भी करना जरूरी है, तो इसलिए हेयर वॉश मैंने अभी कर लिया रात को सोने से पहले। और ये देखिए दोनों बच्चे भी सो गए हैं, मेरे लड्डू भी सो गए हैं, और आज हस्बैंड जी ड्यूटी पे हैं, वे आएंगे नहीं, बस अब मैं भी सोती हूँ। तो बस आज की वीडियो ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते करूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक यू।